रिबॉन मेक एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. इट इज अ फुली हाइड्रोलिक टाइप एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर इक्विप्ड विद अ टू एक्सिस DRO. There is no noise at all in the wheel spindle of this machine. It is completely silent. Spindle lubrication bhi ekdam theek kaam kar rahi hai. The condition of the table is also very good. Is machine mein two axis DRO laga hua hai. Isme y axis yani wheel head ki jo movement hai aage piche usme bhi DRO hai aur jo table ki rotation hoti hai usme bhi DRO hai. इसमें स्पेशल DRO लगा हुआ है टेबल की रोटेशन पे. तो टेबल को अगर हम इंक्लाइन करेंगे या टेबल को हम रोटेट करेंगे तो वो DRO की रीडिंग पे देख सकते हैं. सो इस मशीन में टेपर निकालना बहुत इजी है, वेरी इजी है. इट इज़ अ हाइड्रोलिक टाइप मशीन. जो लेफ्ट और राइट मूवमेंट है वो हाइड्रोलिक से है. व्हील हेड में रैपिड ट्रैवल भी है फॉरवर्ड हाइड्रोलिक से. इट इज़ अ यूनिवर्सल टाइप मशीन जिसमें वर्क हेड को भी रोटेट कर सकते हैं, डिग्री है उसमें भी. टेबल को भी रोटेट कर सकते हैं, टेबल में भी डिग्री दे रखी है एंड इसमें व्हील हेड में भी डिग्री है तो तीनों को रोटेट कर सकते हैं. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स व्हील ड्रेसर कूलेंट टैंक एंड कूलेंट पंप. दिस इज द हाइड्रोलिक पावर पैक ऑफ द मशीन. Check for the accuracy of this machine. We have checked the repeatability of the wheel head. हमने इस पे डायल लगा दिया है और अभी इसके व्हील को आगे पीछे इसका रैपिड में चलाकर इसकी रिपीटेबिलिटी को चेक करेंगे. अभी ये व्हील आगे है, इसको पीछे ले जाओ. ठीक है, व्हील अभी पीछे चला गया, आगे ले आओ फिर से. ठीक है, पीछे ले जाओ, आगे ले आओ, फिर से पीछे ले जाओ, आगे ले आओ, पीछे, आगे, फिर से पीछे, फिर आगे, एक बार और. हम देख सकते हैं कि जितनी बार भी व्हील आगे आता है वो हर बार, एक बार और कर दो, हर बार अपनी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आता है. विच मीन्स दैट द रिपीटेबिलिटी एंड हेंस द एक्यूरेसी ऑफ दिस मशीन इज एक्सीलेंट. जो टेबल की अलग अलग स्पीड्स हैं वो दिखा दो. टेबल की फुल स्पीड कर दो, एक बार मैक्सिमम कर दो. टेबल की स्पीड को अभी हमने तेज कर दिया. टेबल अभी लेफ्ट और राइट काफी स्पीड से चल रही है. ठीक है, आप टेबल की स्पीड को कम कर दो, पहले एकदम कम कर दो. चलो, वी हैव राइट नाउ रिड्यूस द स्पीड ऑफ द टेबल मूवमेंट. वी कैन क्लियरली सी दैट इवन इन द स्लो स्पीड द टेबल इज मूविंग वेरी स्मूथली. देयर इज नो वाइब्रेशन और जर्क इन द टेबल मूवमेंट. हल्का तेज और तेज और तेज और मैक्सिमम. ठीक है, अभी कोई मीडियम लेके छोड़ दो. ठीक है, बस ठीक है. इस मशीन में जो डिले का फीचर है उस डिले को फीचर को इंगेज कर दो. दिस मशीन ऑल्सो हैज डिले फीचर. इसमें जब भी अभी लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर लगेगा तो टेबल हल्का सा रुक के चलेगी. ये अभी लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर लगा था तो इसलिए टेबल रुक गई एंड अभी राइट साइड वाला जब स्टॉपर लगेगा तो टेबल अभी उसी इंस्टेंट पे वापस हो जाएगी. So this machine has a delay feature on the left side of the stopper. थोड़ी टेबल की स्पीड इंक्रीज करो थी पर दिखाने के लिए. अभी हमने टेबल की स्पीड दिखा दी जिससे हम जल्दी दिखा सकें. राइट साइड से उसी इंस्टेंट में वापस हो गई और लेफ्ट साइड पे रुक के चलेगी. दिस इज द डिले फीचर. ये डिले कितना लगे, कम लगे या ज़्यादा लगे उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं. टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस वाले नॉब से. अभी हमने ये मीडियम टाइप सेट किया हुआ है, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. लेफ्ट साइड पर रुक रहा है, राइट साइड पे उसी इंस्टेंट पे वापस हो जाएगा. डिले को ख़त्म कर दो. ठीक
ठीक है, वी हैव राइट नाउ स्टॉप द डिले, टेबल अभी लेफ्ट और राइट दोनों पे उसी इंस्टेंट पे वापस हो जाएगी, ठीक है। डिले के अलावा इसमें जो हाइड्रोलिक रैपिड ट्रैवल है व्हील हेड का, आगे पीछे रैपिड में वो दिखा दो, व्हील को पीछे ले जाओ, ठीक है, व्हील को आगे ले आओ, व्हील को पीछे भेजने पे इसका वर्क हेड भी अपने आप रुक जाता है, पीछे भेज दो फिर से व्हील को, आगे ले आओ, पीछे भेज दो, आगे ले आओ, ठीक है। सो दिस इज दी हाइड्रोलिक रैपिड ट्रैवल ऑफ द व्हील हेड, ठीक है। अभी इस मशीन में जो ऑटो कट का फीचर है उसको इंगेज कर दो। दिस मशीन ऑल्सो हैज ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, इसमें ऑटो कट जो है वो लेफ्ट साइड पे लगता है, राइट साइड पे ऑटो कट नहीं लगता। जब भी ये लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर टच होएगा इसमें ऑटो कट लगेगा। ये ऑटो कट की थोड़ी स्पीड बढ़ानी हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। ऑटो कट को अभी हमने इंक्रीज कर दिया, अभी जब भी ये लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर लगेगा ऑटो कट इंगेज हो जाएगा, धीरे धीरे व्हील जो है वो फीड में आगे आएगा, राइट साइड से नहीं आएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। द चेंज इन द DRO रीडिंग कैन बी सीन, जैसे ही लेफ्ट साइड वाला स्टॉपर लगेगा व्हील धीरे धीरे फीड में आगे आ रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये ऑटो कट चल रहा है, व्हील धीरे धीरे फीड में अभी आगे आ रहा है, ठीक है। ऑटो कट को ऑफ कर दो, अभी हमने ऑटो कट को ऑफ कर दिया, अभी इसका लेफ्ट और राइट कहीं से भी कट नहीं लगेगा, ठीक है। इस मशीन में जो मैनुअल ट्रैवल्स है वो दिखा दो एक बार, टेबल को हाइड्रोलिक से हटा दो, ठीक है, लेफ्ट और राइट, अभी हम लेफ्ट और राइट मैनुअली चला रहे हैं। इसमें लेफ्ट और राइट की भी दो स्पीड है, अभी ये धीरे वाली पे सेट किया हुआ है, दूसरी तरफ, ठीक है। अगर मैनुअली चलाना हो तो ये चला सकते हैं, अभी तेज चलाना हो तो इस व्हील को जब बाहर निकाल लेंगे तो टेबल तेज चलेगी, दूसरी तरफ, फिर से दूसरी तरफ, और अभी फिर से स्लो वाली स्पीड, व्हील को अंदर डाल देंगे तो टेबल स्लो चलेगी, दूसरी तरफ, ठीक है। अभी व्हील हेड का ट्रैवल दिखाओ, आगे पीछे व्हील का, दिस इज दी व्हील हेड ट्रैवल, अभी हम पूरे व्हील को आगे लेके आ रहे हैं। द चेंज इन द DRO रीडिंग कैन बी सीन, अब वापस लेके जा रहे हैं तो DRO की रीडिंग हम कम होते हुए देख सकते हैं, फिर से आगे लाओ, ठीक है। सो दिस इज, इसमें DRO लगा हुआ है एंड ये व्हील हेड का ट्रैवल हो गया। व्हील हेड में माइक्रोफीट ट्रैवल दिखाओ, पहले ही ऊपर दिखाओ, हाँ, ठीक है। हर बार इसमें 0.1 का कट लग रहा है, 0.01 का, सॉरी 10 माइक्रोन ऑन द डायमीटर, ठीक है। अभी ये दूसरे वाला दिखाओ ऑटो कट, ये वाला भी, ठीक है, ये रीडिंग सेट करने के लिए, दूसरी तरफ, ठीक है। सो दीज आर दी मैनुअल ट्रैवल्स। ये टेबल की रोटेशन को भी एक बार घुमा के दिखाओ कि उसका DRO भी ठीक काम कर रहा है। ये अभी हम टेबल की रोटेशन को, टेबल को रोटेट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं धीरे धीरे टेबल रोटेट कर रही है एंड उसका भी DRO एकदम ठीक काम कर रहा है, उस पर 1 माइक्रोन वाला DRO लगा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे लाओ, दूसरी तरह ले जाओ वापस। ये अभी हमने टेबल का एंगल सेट कर दिया है और अभी हम वापस कर रहे हैं, तो इस मशीन में टेबल को भी रोटेट कर सकते हैं एंड टेबल की रोटेशन पे भी DRO लगा हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड फीचर, ठीक है। डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द वर्क हेड, अभी वर्क हेड जिस स्पीड से चल रहा है इसमें मोटर डबल स्पीड की लगी है, तेज कर दो, ये मोटर की स्पीड तेज कर दी तो व्हील वर्क हेड तेज हो गया, दूसरी तरफ, मतलब सॉरी फिर से धीरे, और इसको उल्टा सीधा करके दिखाओ, फिर से सीधा कर दो,
ठीक है, इसमें डबल स्पीड की मोटर लगी है एंड यहाँ पे चार स्टेप की पुली है, तो टोटल में 8 डिफरेंट स्पीड्स होगी, 8 डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द वर्क हेड। ठीक है, आगे ये कवर भी लगे हुए हैं, तो स्प्लैश गार्ड की भी इस मशीन में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ द मशीन, इट इज अ मेड इन इटली रिबॉन मेक हाइड्रोलिक टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन कंप्लीट विद कूलेंट टैंक, कूलेंट पंप, व्हील ड्रेसर। इस मशीन में 2 एक्सिस का DRO लगा हुआ है, टेबल की रोटेशन पे एंड व्हील हेड की ट्रैवल पर। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।